फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द दीपिकास किचन में। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे मिर्च के गर्मा गर्म पकौड़े। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। इसे धनिया पत्ती की चटनी या सॉस किसी के साथ भी आप शाम के नाश्ते में या सुबह की चाय के साथ किसी के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है बनना और इसे बनाना बहुत ही ईजी है। तो चलिए मिलकर शुरू करते हैं बनाना मिर्च पकौड़े। तो इसके लिए हमने यहाँ लिया है मोटी वाली हरी मिर्च ली है मैंने यहाँ। इसको इस तरह से बीच में से चीरा लगा लिया है मैंने। ये देखिए इस तरह की मिर्च से ये ही पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं। पतली वाली मिर्च अच्छी नहीं लगेगी फ्रेंड्स इसमें। ये देखिए इस तरह की मिर्च में मैंने बीच से चीरा लगा लिया है। और अब इस तरह से नींबू का रस इस तरह से सब में हम डाल देंगे। और नींबू के रस के साथ ही साथ इस तरह से हम इसमें थोड़ा सा नमक भी स्प्रिंकल करेंगे और उसके बाद इसे इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। इस तरह से हम सारी मिर्च को फिल कर लेंगे। देखिए मैंने इस तरह से सारे मिर्च तैयार कर लिए हैं। नींबू के रस और नमक इसमें भर के इस तरह से मैंने तैयार कर लिए हैं। अब हम एक बाउल में बेसन लेंगे और बेसन में हम नमक स्वादानुसार, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा यहाँ खाने वाला सोडा, जरा सा बस। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम और थोड़ा थोड़ा इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इसका एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। इस तरह से बिल्कुल स्मूथ इसका एक बैटर बनकर तैयार हो गया है। दिख रही है इसकी कंसिस्टेंसी आपको? बिल्कुल रिबन की तरह गिरेगा, इससे ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा हींग ऐड कर सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। अब इस तरह से सारी मिर्च हम इस तरह से इसमें पूरी तरह से कोट कर लेंगे और तेल मैंने यहाँ पहले से चढ़ा के रखा है, इसमें हम इस तरह से डाल देंगे। एक और मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से। ये इस तरह से सारे पकौड़े हम तल लेंगे। देखिए मैंने सारे पकौड़े यहाँ मिर्च पकौड़े तल कर निकाल लिए हैं। ये कितना क्रिस्पी बना है, बहुत टेस्टी बना है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप इसे हरे धनिए की चटनी या सॉस किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं गरम गरम। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।